डॉक्टरों पर हो रहे हमले के विरोध में सिविल अस्पताल तरन तारण में कार्यरत डॉक्टरों ने सामूहिक रूप से हड़ताल कर दी। इस हड़ताल का खामियाजा अस्पताल में इलाज करवाने आए मरीजों व उनके परिजनों को भुगतना पड़ा। हड़ताल की वजह से जहां डॉक्टरों ने मरीजों का इलाज नहीं किया, वहीं मरीजों को दवाइयां लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चौंकाने वाली बात यह है कि तरन तारण के सिविल सर्जन ने अपनी जिम्मेदारी को दरकिनार करते हुए हड़ताल को सही ठहराते हुए डॉक्टरों का समर्थन किया। याद दिला दें कि सिविल सर्जन एक प्रशासनिक पद है और जनता गुलाम जनता के स्वास्थ्य देखरेख करना उनकी जिम्मेदारी है, न कि गुलाम जनता को परेशान करके तानाशाही करना। बताते चले कि देश भर में डॉक्टर खुली मनमानी करते रहते हैं। दवाइयों, जांचों, नशे, एम्बुलेंस और यहां तक कि अगर किसी दूसरे अस्पताल में रेफर करें या किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाकर दिखाते हैं तो उसमें भी खासा कमीशन लेते हैं। ज्यादातर अस्पताल में तो मरीजों के मरने के बाद भी कई दिन तक वेंटिलेटर पर रखकर मोटी रकमें वसूलते हैं। डॉक्टरों की इन्हीं करतूतों से परेशान होकर अगर कोई डॉक्टर की धुलाई कर देता है तो उसे हमले कहकर हड़ताल करते हैं। अस्पताल में इलाज करवाने आए मरीजों के परिजनों ने कहा कि डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिसके चलते मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है। मरीज परेशान है व उन्हें दवाइयां लेने भी दिक्कत हो रही है। टैबलेट सी दी दवाई लेने आए हैं जी, ते कल भी आए हैं ते अल्ट्रासाउंड भी आए ते आज भी आए हैं जी। अल्ट्रासाउंड आए ते आज दवाई नहीं मिली, दो तीन दिन हो गए आउंदियां नूं जी। अज हड़ताल है जी ते हुण कहिंदे घंटा खुलूगा शायद, ते खुले ते अहीं दवाई मिल जाए ते चंगी गल है जी। शुक्रवार दे आउंदे आ ਇਹੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਡੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, 8 ਵਜੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਗੇਟ ਗਾੜੀ ਹੈ। तरन तारण के सिविल सर्जन डॉक्टर शमशेर सिंह ने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टरों पर हो रहे हमले के विरोध में उन्हें अपनी मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपा है। डॉक्टरों ने सामूहिक रूप से 2 घंटे की हड़ताल की है। हड़ताल से मरीजों को परेशानी तो आ रही है, लेकिन डॉक्टर पर हो रहे हमलों के विरोध में डॉक्टरों द्वारा की जा रही हड़ताल का वो समर्थन करते हैं। शर्म की बात है कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे होने के बावजूद सिविल सर्जन ने कभी उन हालातों को पैदा होने से रोकने की कोशिश करने की जगह उल्टे हड़ताल को सही ठहरा दिया। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 10 ਤੋਂ 12 ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, IMA ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਡ। ਮੇਨ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਡੈਥ ਤਾਂ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਨ ਖੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ।